अपनी माँ का नाइटमेयर होता है जो वो गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग टू अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग. और हमको सोने को नहीं मिलता, रात को काफ़ी लेट सोते हैं हम लोग सैटरडे. जैसे एज यूजल सब जनरली लेट ही सोते हैं बिकॉज ऑफ वीकेंड, बट हमको सोने को नहीं मिलता अर्ली मॉर्निंग तक, लेट तक उठने को नहीं मिलता बिकॉज ये जो छोटू सा मंकी है ना इस मंकी के सैटरडे को आर्ट एंड क्राफ्ट काइंड ऑफ क्लास चलती है, कुछ तो कॉम्पिटिशन चलता है. सो आज है अनन्या का मास्क मेकिंग कॉम्पिटिशन, एंड लास्ट टाइम अनन्या का आपको दिखाया था मैंने सैलेड मेकिंग. तो अनन्या को आज क्या मिल गया? फोर्थ प्राइज. यस, कॉन्सोलेशन प्राइज अनन्या को मिला. एंड शी इज सुपर डुपर हैप्पी. चलो अपना करो, टाइम वेस्ट होगा. तो शी इज सुपर डुपर हैप्पी, बहुत खुश है. तो आज भी बहुत जोश में बना रही है वो, देखते हैं क्या आवाज़ बनाती है आज वो. और सर्दी की धूप कितनी अच्छी लगती है ना सुबह, मीठी मीठी सी. मस्त लगता है, फेस पे आता है तो. और ये ग्राउंड में क्रिकेट मैच चालू हो गया. यहाँ पे सबका क्रिकेट मैच चल रहा है. सैटरडे इज ऑन, जिसको जो करना है उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया. और हमको क्या करना है, वही किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाना है. सो चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं. मास्क रेडी है. क्या हो रहा है नन्या ने? मोनाज बटरफ्लाई मेरा फेवरेट बटरफ्लाई. हाँ मुझे पता है. सूप किया था सुबह, दही और सूजी और जो पानी है, ये देखिए कैसे सूजी अच्छे से फूल गई है. तो आज मैं बनाऊंगी सब्जियों के साथ, तो सब्जियां कट करते हैं. हाँ सो ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई कि आज मैं बना के रही हूँ. आज मैं फिर से बना रही हूँ अप्पे. जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था तो काफी लोगों के बहुत सारे सजेशन आए थे कि आप इसमें ये डाल सकते हो, ये डाल सकते हो, ये डाल सकते हो. सो आज मैं सब्जियां डाल के बना रही हूँ. काफी अच्छा लगा था मुझे, किसी ने मुझे चीज के साथ बोला था, तो चीज मेरे पास मोजरेला वाला है नहीं, तो देखते हैं. तो अब मैं बनाऊंगी अप्पे. दिखा दिया क्या बोला मैम ने? लुकिंग रियल. आपने अच्छा बनाया, आपको बोल तो नहीं थी. अनन्या को अपना ड्राइंग पसंद नहीं आया, मैं उसको बोल रही थी कि बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया. देखो मस्त बनाया ना, कितना सुंदर लग रहा है ना. और उसको पसंद ही नहीं आता, कुछ भी पसंद नहीं आता. और अच्छा बनाना, और अच्छा बनाना, बट दैट्स गुड. ये भी होना चाहिए कि और अच्छा करना है ना. चलो गुड जॉब, बहुत अच्छा बनाया है, गुड जॉब. गो देखो बाकी बच्चों ने क्या बनाया है. सब्जियां जो है मेरे पास ज्यादा नहीं है, तो अगर आपके पास और सब्जियां है ना, इसमें आप और भी काट काट के उसमें डाल सकते हो. आप क्यों ये पहन के आए हो? स्विमिंग याद? हाँ स्विमिंग की याद आ रही है, तो पता पहले इसको रखो. ये चश्मा क्यों पहन के आए हो? इतने भी नहीं काट रही कि आपके आंखों में प्रॉब्लम हो. ऐसे तो पहन के आती है जैसे सारा अनियन अनन्या काट रही है ना. अनन्या ने ये क्या बनाया, क्या दिखाने के लिए आई थी? निकाल दो, मेरा कुछ दिखेगा नहीं आपको. हाँ बताओ क्या बनाया है, फटाफट बताओ मेरे को. ये एवरी ड्रॉप काउंट. मेरे स्कूल से एक प्रोजेक्ट आया था, तो मैंने ये बनाया कि पाइप लीक हो रहा है, ये बच्ची बुला रही है, और ये बच्चे अपने मम्मी को बोल रही है कि मम्मा प्लीज कॉल अ प्लम्बर टू फिक्स इट, दिस पुअर पाइप इज लीकिंग. तो बेसिकली मैम, हां ओके, बेसिकली मैं बताती हूं, साइंस प्रोजेक्ट था वाटर कंजर्वेशन पे. तो मैडम ने ये पाइप लीकेज नहीं होना चाहिए, एवरी ड्रॉप काउंट ये बनाया है ना. अरे लेके तो जाओ इसको, इनको ले जाओ खाना बनाने के लिए. सब दिखाना होता है, जो जो बनाती है उसको सब दिखाना है.
ये दो सब्जियां हैं मेरे पास, मैंने बस दोनों को ही एक साथ चॉप कर लिया है, अनियन और कैप्सिकम। आप कैरेट अगर आपके पास हो, या फिर आपके पास हो बीट रूट, ब्रोकली, कुछ भी डाल सकते हो। सबसे पहले इसमें डालने के लिए मैं एक तड़का तैयार करूंगी, तो तड़के के लिए थोड़े मसाले लूंगी, और ये है कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता ना मैं ऐसे करती हूँ, जब ज़्यादा आ जाता है ना तो मैं उसको ड्राई करके, सन ड्राई करके ऐसे डाल के फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, बहुत दिन चलता है। तो आज भी कड़ी पत्ता सुभाष लेके आए हैं कि यू नो मिल रहा था, अच्छा फ्रेश था काफ़ी, तो सुभाष वो भी लेके आए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे वॉश करके उसको वो करती हूँ। तो अभी तड़का तैयार करते हैं फटाफट। तो डाल रही हूँ मैं हींग, मस्टर्ड सीड, राई सीड, जीरा, थोड़े से कड़ी पत्ता, लहसुन। फिर सारा पापा वाले स्केट्स लेके खड़े हो आप, ये देखो। आज पापा को पकड़ो और जाओ नीचे जाके स्केटिंग करके आना, ठीक है? पापा सो रहे हैं। पापा को उठाएंगे अभी। सो इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक। सो हमारा बैटर रेडी है, देखो हमको ऐसा चाहिए कंसिस्टेंसी। सो मैंने यहाँ पे मेकर में ऑयलिंग कर दी है, सब कुछ रेडी है। तो अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच जो है बेकिंग पाउडर, और इसको इमीडिएटली हम मिक्स करके, इससे बहुत फूली फूली बनेंगे यहाँ पे। और ये एंड में करना डालने से पहले। लास्ट में मैंने गलती करी थी, मैंने आप पे जो मोल्स है इनको पूरा भरा नहीं था, तब इसको पूरा ऊपर तक मोटा करके और ऊपर थोड़ा सा लेयर छोड़ें, तब ये गोल गोल बनेंगे, वरना एक साइड से ना फ्लैट रह जाएंगे। सो देखिए अब ये प्रॉपरली ऊपर से ना थोड़े से हार्ड हार्ड से हो गए हैं, अब इसको हम पलटेंगे। ये देखिए एक साइड से कितना मस्त ब्राउन ब्राउन हो गया। सो मैं थोड़ा सा और ऑयल डाल दूंगी मैं। अब पे ऑलमोस्ट होने वाले हैं। नारियल का चटनी बनाने का सोचा था मैंने साइड में, साथ में, और धनिया पत्ता नहीं तो हरी चटनी तो बन नहीं सकती, तो मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का। तो हम लोग खाने वाले हैं केचप, और ये ना अभी रिसेंटली लेके आए हैं हम लोग, रिसेंटली मतलब हो गया एक हफ्ता। और अनन्या मुझे इतना पसंद है बिकॉज वी लव चाइनीज, सो ये शेजवान सॉस है, इसके साथ कुछ भी खा सकते हैं हम लोग सीरियसली। देखिए क्या मस्त गोल गोल बने हैं, और ये परफेक्टली कुक हो गए हैं दोनों साइड से। ये है अनन्या का फेवरेट प्लेट। तो हमारा हेल्दी सा जो नाश्ता है वो रेडी है, और बिल्कुल राउंड राउंड बना है, सो इट रियली लुक्स ब्यूटीफुल। सो आज का ब्रेकफास्ट, स्पेशल ब्रेकफास्ट ऑन बेड, सैटरडे स्पेशल ब्रेकफास्ट, बेड 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 टी होता है वैसे, ब्रेकफास्ट मुझे पता था वही बोल रहे हैं, बेड ब्रेकफास्ट। आज तो गोल गोल था, नारियल चटनी नहीं बनाया, मन नहीं कर रहा था, दिखा दिया मैंने ऑलरेडी बहुत बार दिखा दिया, गोल गोल बन के आया ना। एक्चुअली यही होता है, कोई नई चीज सीखो ना करते करते आपको फिर पता लगता है कि क्या गलतियां हो रही हैं, फिर आप खाओ मुंह बंद करो ऐसा। आज एक्चुअली बहुत अच्छा बना है। तो ये कड़ी पत्ता मैं ऐसे स्टोर करती हूँ, मैंने इसको पहले अच्छे से वॉश कर लिया है, अभी टॉवल में इनको ना अच्छे से जो पानी है उसको निकाल लूंगी, इसको एक प्लेट में स्प्रेड करके धूप में डाल के सुखा लूंगी अच्छे से, और फिर उसको मैं स्टोर करूँगी आराम से एक डेढ़ महीना, यू नो जब तक आपका कड़ी पत्ता फिनिश नहीं होता तब तक ये चल जाता है, ख़राब नहीं होता। तो विंटर सीजन आती है, सारे प्लांट्स बिल्कुल ऐसा है ना कि हर रोज़ पानी डालना पड़ता है, वरना पूरे रोज़ देखो मिट्टी, कल पानी डाला देखो पूरा क्रैक्स आ गए मिट्टी में। स्पाइडर प्लांट का ये बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल इतना सुंदर खिल के आते हैं ना ऊपर तक पूरे। ये मनी प्लांट है ना, ये मेरे बेडरूम में रहता है, आपने देखा होगा, ये इतना सुंदर लगता है ना जस्ट बिकॉज ऑफ ये पेबल्स और ये जो बोल है। तो जो बॉटल्स में मनी प्लांट है, जो ये है, इसको मैं हफ्ते में एक बार आई क्लीन इट, बॉटल्स वाले मैंने कल किए थे तो इसको आज करेंगे। सारे जो उसके अंदर पेबल्स है ना उनको निकाल लेती हूँ मैं, पूरे बोल को अच्छे से साफ करती हूँ, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत डर रहता है, और इनके रूट्स को भी ऐसे पूरा साफ करती हूँ। वैसे इस पर मैंने मनी प्लांट पे ना एक वीडियो भी है मेरा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं कैसे मेंटेन करती हूँ मनी प्लांट, तो उस पर एक वीडियो है मेरा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक टिश्यू से हम इसके ऊपर से इसको वाइप कर दूंगी, क्योंकि हार्ड वाटर है तो पूरा निशान आ जाता है इनके ऊपर। अनन्या अनन्या रुक 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 रुक, कहाँ चली, कितनी प्यारी लग रहा आपको स्कूल जाते हुए, ऐसे बैग में देखते थे। हाँ अनन्या, और कितने दिनों बाद मैं आपको ऐसे बैग में देख रही हूँ, क्या बैग लेके जा रहे हो, ऐसे जल से लग रहा है स्कूल जा रहे हो आप। मुझे तो लग रहा है मैं हाइकिंग जा रही हूँ, हाइकिंग। हाँ लगी हुई ऐसा रहा है, बिल्कुल शूज पहन के तो लगेगा स्कूल में हूँ मैं। हाँ नहीं मैं आपको एक्चुअली ना बैग ऐसे देखा नहीं ना, कितने टाइम से स्कूल जाते हुए आप ऐसे बैग लेके जाते थे, स्टूडेंट फील हो रहा है। चले मेरे दो बच्चे स्कूल, सैनिटाइजर लिया
ओके पानी की बोतल. चलो बाय. मेरे पास है पानी का बोतल. ओके बाय. बाय बाय. वापस से. ओके बाय. सो एनी इज ऑल सेट टू स्केट. से हाय. ओके गो स्टार्ट. थोड़ा सा बैंड करो. थोड़ा सा बैंड करके जाओ. हल्का सा बैंड करो बॉडी को. ऐसे करो. कम ऑन. हैंड्स मूवमेंट. हैंड्स मूवमेंट. वेव करो हैंड्स को. ऐसे गुड. आप रेडी हो जाओ. यस. स्टार्ट स्टार्ट पापा. मेरा हाथ पकड़ो. नहीं तो पहले आप करेंगे. कैसे आई ना की हवा निकल गई स्केटिंग करते करते. कितने टाइम बाद आए हम लोग स्केटिंग करने के लिए? बहुत दिनों बाद की. बहुत महीनों बाद. ऑलमोस्ट साल एक साल से ऊपर हो गया ना. जब अपन पुरानी सोसाइटी में थे तब किया था अपन ने, है ना. हो गया. आपको अपने दिमाग के अंदर डाउनलोड करना है क्योंकि ये एंड्रॉइड और आईफोन पे अवेलेबल नहीं है और दिमाग के अंदर आपको खेलना है ये. गेम शुरू हुआ है. गेम बीच में खत्म हो गया था. फिर से गेम शुरू हुआ. ये भागेगी फिर से. ये भागी. ये भागी. भागी. पावर अप. पावर अप. भाई घोड़ा मिल गया आने को भागने के लिए. पावर अप. आने की स्पीड बढ़ गई घोड़े की. तकड़क 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 तकड़क. ये वाटरिंग हो रही पूरे गार्डन की. सारे स्प्रिंकल्स खोल दिए गए हैं. इतना बड़ा सा बन दिखाओ. टन तो करो. ये देखो इतने बड़े बाल हैं किसी के जितने अनन्या के बाल हैं. और बाल खिसकते हैं अनन्या को. पकड़ के रखना पड़ता है बाल वरना खुल जाते हैं ना. चलो खाना खाएंगे. यस.
है हमारा आज का लंच, ये है चिकन चिली चिकन, ये है सिंगापुरी नूडल्स, और ये है अनन्या जिसे सब्र नहीं हुआ खाने लग गए ऑलरेडी। आज हम खा रहे हैं बहुत दिनों बाद नूडल्स, मेरा फेवरेट है और सुभाष को बिल्कुल नहीं पसंद है। सुभाष को बस घर का दाल चावल दे दो और कुछ नहीं, सिर्फ दाल चावल, एंड ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मुझे भी जाना था साथ में, नीचे थोड़ा अच्छा लगता है ना, मौसम बड़ा अच्छा सा है, पर वही मेरा लैपटॉप का बताया था आपको लास्ट टाइम कुछ थोड़ा सा इशू चल रहा था, तो टेक्नीशियन आया था तो उसी के साथ उसको टाइम लग गया थोड़ा, तो खाना भी नहीं बना पाया इस वजह से मैंने कहा चलो पार्टी आज लैपटॉप ठीक होने की खुशी में। स्किन निकली आपकी अंदर ज्यादा, नहीं अंदर ज्यादा नहीं घुसा लेकिन स्किन निकली थोड़ी। कहाँ गए थे ये? खेल रही सीजर। अच्छा खुद नहीं कट कर लिया क्या? मम्मा तो इतना डर गई थी, और अनन्या कितनी ब्रेव है, अनन्या अनन्या आराम पट्टी लग गई है, बिल्कुल नहीं डरी ना अनन्या, बच गई स्टिचिंग से। इतना डर गई थी मैं आज सीरियसली, डरने की बात नहीं है डर को, मम्मा ने बोला था कि मैं उनसे भी ब्रेव हूँ। यस बहुत ब्रेव हो, मम्मा को तो फेंट हो जाती है ना ब्लड देख के। अच्छा सो फ्रेंड्स हम लोग वापस आ गए हैं और अनन्या ठीक है बिल्कुल, है ना अनन्या? हाँ उसको पट्टी लग गई है। एक्चुअली हुआ क्या मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, मैं सो रही थी, ओके बाकी बच्चे भी देख रहे हैं ना काफ़ी, उनको पता होना चाहिए ना कि क्या नहीं करना है, तो मैं सो रही थी मुझे अनन्या की रोने की आवाज़ आई, सुभाष यहाँ पे काम कर रहे थे, अनन्या आप सुभाष के साथ ही थी, तो रोने की आवाज़ आई मुझे, लगा वो डांट पड़ रही होगी उसको कुछ, वैसा चलता रहता है अनन्या का पूरे दिन, तो फिर मैं बाहर आई तो देखा पूरे फ्लोर पे ब्लड, और मतलब इतना ब्लड, मतलब मुझे ना आई डोंट नो क्या वो टर्म नहीं पता मुझे, मतलब मेरे को बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता, मुझे चक्कर आते हैं, खून ज़्यादा कट मुझसे देखा नहीं जाता, और इसकी मतलब ऐसा फिंगर इसका इतना कटा, मतलब वो सुभाष ने देखने नहीं दिया मुझे क्योंकि मेरे को चक्कर आ, मैं गिरी जाती, तो वो खून टपकता हुआ देख के, मतलब कहते हैं ना किसी भी माँ का नाइटमेयर होता है जो, वो मतलब मुझे था कि मतलब पता नहीं क्या क्या हुआ है उसको, कितना कटा है, और मुझसे देखा भी नहीं जा रहा कितना कटा है कि मैं देखूँ कितना कटा है। फाइनली हॉस्पिटल जाके तब खोला पट्टी, तब देख पाई मम्मा। तो बेसिकली अनन्या ने क्या किया था, कुछ सीजर्स आई थिंक सीजर के साथ प्ले कर रही थी कुछ, तो और पता नहीं सीजर कहाँ से मिला उसको, कहाँ से लेके आई, सब अंदर डाला होता है मैंने, और उसके साथ खेलते खेलते उसने अपना पूरा उंगली काट लिया, तो सुभाष ने बाद में। अगर आप बोलोगे कि कभी सीजर वगैरह को छेड़ना मत, तो मैं कभी भी नहीं छेड़ूंगा, आई प्रॉमिस व्यूअर्स। सर ने प्रॉमिस किया अनन्या नहीं छेड़ी, और आप बच्चे अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप लोग कभी मम्मा पापा की बात सुननी है, इन सब चीजों से नहीं खेलना है बिल्कुल, नाम को मेरे जैसे लग जाएगी। तो फिर फाइनली फिर हमको मतलब देख के पता ही लग रहा था ऑब्वियसली घर में ठीक होने वाला ऐसा पट्टी वट्टी से नहीं है, क्योंकि वो ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही थी कंटिन्यूसली, मतलब हमने उसके ऊपर गौज लगाया, उसको बैंडेज लगाया, मतलब जो बैंडेज होता है प्रॉपर गौज वाला, पर कंटिन्यूसली ब्लड टपके जा रहा था, तो हमको था कि मतलब अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो फटाफट हम उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया तो देखा बोन वोन तक नहीं पहुँचा था, कट डीप था पर बोला स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझसे पूछा था तो वो बैंडेज वगैरह किया है पूरा, और ड्रेसिंग वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ ठीक है वो, और बहुत ज़्यादा आज डर गई थी, मतलब लिटरली मतलब घर में बैठे बैठे, फिर तो मैं ठीक हो गई थी, तो मैंने मामा को बोला कि डरने की बात नहीं, तब कुछ हो जाएगा मुझे तो कुछ नहीं होता, हॉस्पिटल ले जाना ठीक हो जाऊंगी। और अनन्या बहुत ब्रेव रही है, अनन्या बिल्कुल नहीं रोई पूरे टाइम, अनन्या वहाँ पे ब्रेव थी बिल्कुल, है ना, हंस हंस के कुछ कर रही थी मैं। सो यार तो चलो यार आज का रेडी हुई थी मैं एक्चुअली, तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, अभी आई नीड टी, अभी आई हैव टी, और अनन्या शांति से भी बैठेगी है ना कुछ दिन, तो है ना,
चलो अब आप सभी काफ़ी अनन्या को पसंद करते हो, टेंशन मत लो उसका, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन. सो या तो मैं मिलती हूँ दोबारा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब ध्यान रखिए. और बच्चे प्लीज़ नो नाइफ नो सीजर, किसी भी डेंजरस चीज़ से मत खेलो, है ना अनन्या, स्ट्रेट फ्रॉम अनन्या, है ना. और अनन्या भी नहीं खेलेगी, है ना. चलो बाय, टेक केयर, बाय.